हेलो गाइस, सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं केदारनाथ के लिए निकल रहा हूँ अपने बुलेट पे, ये देखिए। और अभी मैं जा रहा हूँ पानीपत अपने एक फ्रेंड को पिक करने, और वहाँ से हम निकलेंगे केदारनाथ के लिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं निकलता हूँ और आगे आपको सारी डिटेल्स देता हूँ नेक्स्ट स्टॉप पर। और इसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को पानीपत से पिक कर लिया था, और हम रुके इसलिए नहीं क्योंकि हमें एक दिन में सोनप्रयाग पहुंचना था। तो जैसे तैसे हमने अंधेरे में भी बाइक चलाई। और आगे चल के कुछ दूरी पर हमारी बाइक ख़राब हो गई थी। इसका जो मेन फ्यूज होता है, जो स्टार्ट होने के लिए आगे करंट भेजता है, वो ख़राब हो गया था, और इसी वजह से मेरे को काफ़ी दूर अपनी बाइक खींचनी पड़ी। और मेरा जो फ्रेंड था मैकेनिक, वो कॉल पिक नहीं कर रहा था क्योंकि सुबह के 5:30-6 बजे हुए थे। और जब उसने मेरा फ़ोन पिक करा तो मैंने उसको प्रॉब्लम बताई और हम एक जुगाड़ से उसको ठीक करके वहाँ से निकल गए थे। और यहाँ फिर हम 5 मिनट रिलैक्स करने के लिए रुक गए थे। बैठे बैठे हमारे वर्ड्स दर्द करने लग गए थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर रुक के 5 मिनट रेस्ट करा और फिर हम आगे निकल गए थे। वो मारेगा के ताऊ, मेरी इस वीडियो पर कमेंट करना, आपके देख लिए पता क्या करो बात, और रात को जाने के जो पड़ी थी भाई। गाइस, मैं पहुंच चुका हूं सोनप्रयाग। जैसा कि आपने पीछे क्लिप्स देखी है मेरे यहां तक आने की, कि मैं सुबह 11 तारीख 10 अक्टूबर 2020 को सुबह 4 बजे निकला था घर से पानीपत से, और मैं 11 तारीख 10 अक्टूबर 2020 शाम के 8:30 बजे तक हम यहां पहुंच गए थे। और मैं आपको कुछ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हम एक दिन में इतनी दूर क्यों आए और इतना डिस्टेंस क्यों कवर अप किया, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हम सिर्फ और सिर्फ 3 दिन देना चाह रहे हैं अपनी पूरी ट्रिप को, इसीलिए हमें आज सुबह 4 बजे चलना पड़ा और आज कैसे भी करके सोनप्रयाग तक हमें आना पड़ा।
ताकि हम गौरीकुंड जा सके और फिर गौरीकुंड से हम केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू कर सकें। तो इसी बीच में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले रुकते हैं, वहाँ पे रूम लेते हैं, आपको 600 रुपये के आसपास रूम मिल जाएगा विद पार्किंग, बट जो रूम होगा वो विदाउट गीज़र होगा, मतलब कि उसमें गर्म पानी की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, और शायद अगर आप लोगे गीज़र वाला तो आपको 1000 रुपये तक का मिल जाएगा। और हम यहाँ पर रुके हुए हैं सोनप्रयाग में, और यहाँ पे हमें जो रूम मिला है वो 1500 रुपये का रूम है, और रूम मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है, और फैसिलिटीज़ भी मतलब बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पीछे ही रुक जाना, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग के आपको अलग देने पड़ेंगे। यहाँ पे पार्किंग का 50 रुपीज़ आपको एक दिन का देना पड़ेगा, और 30 रुपीज़ फिर अगर आप नेक्स्ट डे भी वहीं छोड़ते हो तो। और जैसे कि आपने पीछे हमारी क्लिप देखी है, वो रात की, हमने रात को किस तरह बाइक चलाई है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ऐसे बाइक ना चलाएं, बहुत खतरनाक है। और हमारी तो मजबूरी थी कि हमें टारगेट पूरा करना था आज सोनप्रयाग का, क्योंकि हमें ट्यूसडे को वापस पानीपत पहुँचना है। एक्चुअली हम जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब, तो इस वजह से हमें शॉर्ट पीरियड में सोनप्रयाग कवर अप करना था, और आज ही के दिन, एक दिन के अंदर। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से आइए, ये बहुत पेनफुल है, मतलब इतना स्ट्रेस हो जाता है, हम बीच में कहीं रुक भी नहीं पाए, और कमर दर्द करने लगी, और बाइक में भी प्रॉब्लम्स, हमारी बाइक भी ख़राब हो गई थी एक बार तो। और मैं आपको यही कहूँगा कि जितना हो सके उतना आराम से आए, रिलैक्स मोड में आए, अपना टाइम लेके आए, हमारी तरह गलती मत करें, फास्ट एंड फ्यूरियस बनने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे और मज़े लेते हुए आने की कोशिश करें। और अभी मैं सोने की तैयारी करने जा रहा हूँ, और कल आपको रजिस्ट्रेशन दिखा दूंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होती है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और उसके बाद हम गौरीकुंड के लिए निकलेंगे और वहाँ से फिर पैदल यात्रा करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, सुबह होते ही मैं आपको अगली जो प्रोसेस है वो दिखा दूंगा। सो टिल देन, गुड नाइट। हे गाइस, हम रेडी हो चुके हैं केदारनाथ की चढ़ाई करने के लिए, और हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाया है। और तो आइए दिखाता हूँ आपको, और देखिए यहाँ से हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, और रजिस्ट्रेशन 5:30 बजे से होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए आपको सुबह जल्दी उठ के और लाइन में लग जाना चाहिए हमारी तरह। हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, और अभी भी देखिए कितनी भीड़ है, लाइन लगी हुई है। और अभी हम अपना जो एक्स्ट्रा सामान है वो रखने वाले हैं लॉकर में, यहाँ पे पर्सनल लॉकर्स होते हैं, जहाँ पे हमने बाइक पार्क की थी लास्ट नाइट, वहीं पे हम अपना जो है एक्स्ट्रा सामान है सारा वो वहीं पे लॉकर में रख देंगे, ताकि चढ़ाई करते टाइम हमारे पास कम से कम सामान हो और हम उसको कैरी कर सके। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी की जो डिटेलिंग है वो मैं आपको चलते हुए बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, तो बने रहिए मेरे साथ और नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, उसमें मैं पूरी डिटेलिंग दूंगा। सो टिल देन, बाय एंड स्टे ट्यून विद मी, बाय।